हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल गाइड। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मैकेनिकल गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जो BTUP की तरफ से एक लेटेस्ट न्यूज आ रही है, बिल्कुल अभी न्यूज आई है, वो है आप लोगों की एग्जाम डेट जो है वो आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की जो एग्जाम डेट आ चुकी है, तो इसमें बताया गया आप लोग एग्जाम कब से होंगे और कैसे होंगे, ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, पूरा इसमें फ्रेंड्स क्लियर कर दिया गया। तभी तक जो स्टूडेंट कन्फ्यूजन पे थे कि उनके एग्जाम ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, या मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, और कितने देर का एग्जाम होगा, एक घंटे का या डेढ़ घंटे का, कितना टाइम आपको एग्जाम करने के लिए मिलेगा और कितना टाइम नहीं मिलेगा, तो फ्रेंड्स इस नोटिस में आपको सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। क्योंकि जो आपकी एग्जाम डेट है वो आ गई है, तो इसमें आपको सब कुछ क्लियर ही बता दिया गया है कि अब क्या होने वाला है और क्या नहीं। और फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट ने मुझे एक पेपर की कटिंग भेजी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि जो हमारा फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर को देनी होगी परीक्षाएं और बाकी सेमेस्टर के स्टूडेंट जो है वो होंगे प्रमोट। तो फ्रेंड, अभी मैं उसकी भी बात करूंगा इसके बाद, तो पहले मैं जो अभी नोटिस आई हुई है उसमें बात कर लेता हूं। तो फ्रेंड, जो हमारी नोटिस आई हुई स्कीम की आ चुकी है, पेपर की जो डेट है वो आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब आप सभी लोग जो है तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि अब कोई भी प्रमोट नहीं होने वाला है, फाइनल ईयर तो बिल्कुल ही नहीं होगा, और सेकेंड ईयर और जो फर्स्ट ईयर है वो भी नहीं होगा। जो उसकी पेपर की जो कटिंग स्टूडेंट ने मुझे भेजी है और मुझसे उसने पूछा है, तो मैं वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी पहले देख लेते हैं जो आई हुई है डेट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लें इसमें फाइनल ईयर की ही सिर्फ है, तो आप लोग अब तैयारी पर लग जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि कोई प्रमोट नहीं होने वाला है। जो आपके एग्ज़ाम थे वो अब आ चुके हैं, बहुत जल्द ही होने वाले हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे और ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आप ये डेट शीट है वो देख लेते हैं कौन सा एग्ज़ाम कब होगा। देखते हैं फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेटेड न्यूज़ आपको मिलती रहे सबसे पहले। फ्रेंड देखिए, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्कीम है जो आ चुकी है, उनका जो फर्स्ट पेपर है वो 22/7/2021 को होगा, और जो आपको इसमें टाइम मिलेगा पेपर को सॉल्व करने का वो 9 बजे से स्टार्ट होगा और 10:30 बजे आपका एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर फ्रेंड्स, ये जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होना है, ना कि ऑफलाइन होगा, इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आने हैं। फ्रेंड, जो इनका फर्स्ट एग्ज़ाम है EDDE, तो फ्रेंड इनका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है ये 22 तारीख को होगा, और इसी तरह सेकेंड एग्ज़ाम जो है फ्रेंड IMRE, फ्रेंड ये आपको इनका 23 तारीख को एग्ज़ाम होगा, 23/7/2021 को 9 से 10:30 बजे के बीच तक रहेगा इनका एग्ज़ाम, उसके बाद इनका एग्ज़ाम ये ख़त्म हो जाएगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आने हैं। फ्रेंड इसी तरह जो इनका थर्ड एग्ज़ाम है, क्योंकि इनके 3 सब्जेक्ट हैं फाइनल ईयर पे, इनका जो थर्ड एग्ज़ाम है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी इनका 24 तारीख का होना। फ्रेंड सबसे बड़ी बात है, इनसे गैप एक भी दिन का नहीं दिया गया हुआ है, 22, 23, 24 लगातार एग्ज़ाम को लगाया गया है, और ये भी टाइमिंग वही रहेगी 9 से 10:30। और फ्रेंड इसी तरह जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट आई, उसे भी देख लेते हैं एग्ज़ाम डेट की। फ्रेंड मैं आपको पूरा डिटेल सब कुछ इसमें क्लियर किए दे रहा हूँ, ऑनलाइन ही आपके एग्ज़ाम होंगे सब कंफर्म हो चुका है, और कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी कंफर्म हो चुका है। नहीं पता तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको, आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे। फ्रेंड जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है वो आ चुकी है डेट शीट। फ्रेंड जो इनका फर्स्ट पेपर होना है वो इनका CNC का है, और जो और टाइमिंग फ्रेंड्स वही रहेगी, टाइमिंग वही है, और इनका भी 22 तारीख से ही होगा, 22/7/2021 से 9 से 10:30 के बीच में इनका एग्ज़ाम तक रहेगा। और जो सेकंड एग्ज़ाम है फ्रेंड इनका IE इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, वो इनका 23 तारीख को होगा, और सारे एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होंगे। और फ्रेंड जो इनका थर्ड एग्ज़ाम है वो भी ऑनलाइन ही होगा, थर्ड एग्ज़ाम इनका जो है टूल इंजीनियरिंग, 24 तारीख को है, 9 से 10:30 बजे के बीच में। और जो इनका फोर्थ एग्ज़ाम, क्योंकि फ्रेंड मैकेनिकल के जो हैं स्टूडेंट, उनके 4 पेपर होने हैं, उनके 4 सब्जेक्ट हैं, MMI का जो एग्ज़ाम है वो 25 तारीख को होगा, उनका लास्ट एग्ज़ाम है, इसी तरह एग्ज़ाम इनके ख़त्म हो जाएंगे। फ्रेंड जो मैंने एक आपको न्यूज़ बताई थी, मैं अब उसकी बात कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था और मुझसे पूछा था कि क्या ये सही है या गलत है, तो मैंने उसको बताया था, उसके बाद मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर सभी जो शिक्षार्थी हैं वो होंगे प्रमोट। तो फ्रेंड इसमें ये दिया गया हुआ है कि जो फ्रेंड्स ये पेपर की कटिंग है, इसमें ये बताया गया हुआ है कि जो फर्स्ट ईयर और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, कोरोना काल के चलते हुए, कोरोना को जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए, उनको प्रमोट करने का जो है निर्णय लिया गया है। और जो फ्रेंड है जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको पेपर देने होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने होंगे। फ्रेंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि
बीटी यूपी की तरफ से जो कोई भी ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आई है, तो आप इस भ्रम पर मत रहिएगा कि जो आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो है वो प्रमोट होगा। प्रमोट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो आपकी पेपर की कटिंग है फ्रेंड्स, वो यहाँ की नहीं, वो वाराणसी की है और ये कल की डेट पर आया हुआ पेपर का है। फ्रेंड्स, अगर आपकी स्टेट के लिए होती तो बीटी यूपी की तरफ से कोई ना कोई नोटिस अब तक आ जाती, जो कि ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, अभी क्लियर नहीं तो एग्जाम सबके होंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ऐसी जानकारी के लिए।